Jai Satgurudev, Jai Pad Sharanam. Akhil Bhartiya Santmat Satsang se main juda san 70 ya 71 se aur iski badi ek ajeeb si kahani hai. Main bachpan se माता जी हमारी जो इस जिसने इनको जन्म दिया इस सेवक को वो बड़ी आध्यात्मिक और ईश्वर भक्त थी और उनका जो प्रभाव था वो इस ओर था कि बेटा यदि संसार में प्रसन्नता चाहते हो आनंद चाहते हो तो ईश्वर को अपना दोस्त बना लो, कृष्ण को अपना दोस्त बना लो और उनको ढूंढ कर अपना लो. तो मेरे हृदय में हमेशा ये एक भूख रहती थी कि मैं उनको कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं. माता जी मुझे बड़े भक्तों की कहानियाँ सुनाया करती थी तो इसके दिल में एक ये इच्छा पैदा हुई क्योंकि माता जी ने कहा कि गुरु बिन ज्ञान नहीं है. बेटा पहले गुरु ढूंढ लो, मुझे भी गुरु बनाना है, तुम ढूंढो उन्हीं को मैं भी बना लूँ. अब अपनी तलाश शुरू हो गई बचपन में ही और मैं ये देखा करता था कि कौन मुझे वो रास्ता बताएगा. जैसे ध्रुव को नारद जी ने बता दिया ऐसे करो, अरे इतनी कठिन तपस्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ सरल भाव से भी प्रभु मिल जाते हैं ऐसा मन में बैठा दिया था परम पूजनीय माता जी ने. तो तलाश में थे मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही तलाश करते थे जहाँ भी हरिद्वार गए, बद्रीनाथ गए, कहीं भी जाते, साधु संतों से मिलते, मन कहीं टिकता नहीं, अच्छा नहीं लगता. फिर हम कई सत्संगों में गए, जहाँ परम पूज्य भाई साहब जी सत्संग किया करते थे, ध्यान और योगाभ्यास कराते थे और वो सब चीज़ें कराते थे जो वाणी का विषय नहीं है. वो मुझे बाद में चलकर मालूम हुआ, जैसे ही मैंने इस अनंतपुर स्थली में कदम रखा परम पूज्य भाई साहब जी ने मुझे सीने से लगाया, सीने से लगकर मिले और प्रेम से पूछा आइए पधारिए आपका स्वागत है. अरे मैंने कहा ऐसे संत हैं यहाँ, ये तो सीने से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, ऐसे कोई साधु संत तो अभी तक देखा नहीं. वो मत्था टेकते थे चल भाई आगे, मत्था टेकते चल भाई आगे, पर ये तो बड़े प्यार से मिले. खैर देखता हूँ ये बोलते क्या हैं तब पता चलेगा. और जब मैंने इनका पहला प्रवचन सुना तो मेरे प्रश्न सब गायब हो गए, मेरे मन के जितने भी डाउट थे, जितने पर्दे थे, वो सारे समाप्त हो गए और मुझे विश्वास होने लगा नहीं कबीर साहब ज़रूर हुए होंगे, नानक साहब भी हुए होंगे, रविदास जी भी हुए होंगे, संत ज्ञानेश्वर हैं, ये सब हुए होंगे, अवश्य हुए होंगे. जब ऐसा एटमोसफेयर यहाँ मिल सकता है तो उन्होंने भी दिया होगा. और मैं तीनों दिन मैंने भाई साहब जी का प्रवचन सुना और उसके बाद मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर पूरी पूर्ण प्रकार से साफ हो गया, सारे प्रश्न समाप्त और ये प्रकाश पैदा हो गया मस्तिष्क में कि जो मुझे ये समझता था कि मैंने रामायण पढ़ रखी है, मैंने गीता पढ़ रखी है, मैंने वो शास्त्र पढ़ रखा है, मैंने वशिष्ठ पुराण पढ़ रखा है,
मुझे सब पता है, मैं सब वो मिट्टी में मिल गया और मुझे लगा कि मैं तो जीरो हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, मैं तो बिल्कुल समाप्त हो गया। अरे मैंने भाई साहब जी के चरण पकड़ लिए, उन्होंने कृपा कर, उन्होंने अपना लिया, उनकी बड़ी कृपा, बड़ी दया हो गई, बड़ी दया हो गई। मैं सत्संग में रेगुलरली आता रहा, अनंतपुर में भी आता रहा, हर संडे को यहाँ सत्संग करते थे परम पूज्य भाई साहब जी, तो यहाँ जंगल होता था, यहाँ पर कांटे चुपते थे हम लोग भंडारे से पहले, जगह साफ होती थी, करते थे, बहुत कम आदमी थे शुरू शुरू। मैं आता रहा, संडे को उनके घर भी जाता था, बृहस्पतिवार का सत्संग भी चालू हो गया घर पे, माता जी भी आती थी। एक बार चौधरी श्री राम जी होते थे, चौधरी श्री राम जी ने कहा पाठक जी पूजा ले लो। मैं जानता था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत निर्बल और मैं आदेशों का पालन नहीं कर पाऊँ, और गुरुदेव के आदेशों का यदि पालन न किया जाए, बेहद भी कह रहा था, मुझे मालूम था कि मैं बहुत निर्बल हूँ। जिस प्रकार वो पूजा का आदेश देते हैं शायद मैं कर पाऊँ, उनके आदेशों का जो उनके इशारे होते हैं प्रवचन में, उनको पूरी तरह पालन नहीं कर सकता। तो आदि श्री राम जी ने कहा पूजा लेना, व्रत रख लेना। मैंने जानबूझ के चाय उसमें का नाश्ता खा लिया, क्योंकि मैं पूजा लेने का अपराध नहीं कर सकता था अगर मैं उनकी बातें न पालता, उनके आदेश है यदि मैं नहीं पाल सकता, मैं उससे पूजा कैसे। मैंने वो मौका, मैंने सोचा यदि गुरुदेव चाहेंगे तो हाथ पकड़ लेंगे, मन से तो मैंने गुरुदेव बना लिए, अब यूँ विधिवत पूजा देने का मतलब वो सारे आदेश पालन करने। जैसे हर ग्रास पे परमात्मा की याद, कितना आसान आदेश, लेकिन नहीं, मैंने वो पूजा जब सौ श्री राम जी ने कहा हाँ व्रत रख लिया ना, मैंने कहा हो नाश्ता खा लिया, और वो पूजा का मौका गया। ऐसे दो तीन साल फिर गुजर गए, मैंने दिल में बिठान लिया था, मैंने कहा अगर भाई साहब जी पकड़ लेंगे हाथ तो ठीक, और नहीं तो जो होगा देखा जाएगा, मैंने तो इनको दिल से तो मान ही लिया है। अब जब मैं इनके सारे आदेश पालन करने लग जाऊंगा तब मैं इनसे पूजा मांगूंगा, अन्यथा इनकी मर्जी। एक दिन मेरे सबसे छोटे भाई की शादी थी, सबसे छोटे भाई की, और चंडीगढ़ से बारात जानी थी, और फिर वहीं से शादी होनी थी। मैं उससे पहले पूज्य परम पूज्य भाई साहब जी से ये बताने चला गया कि ऐसे भैया की शादी है चंडीगढ़ जा रहा हूँ। उन्होंने परम पूज्य माता जी से कहा पापड़ सेक दो,
और मुझे पापड़ खिलाया। उसके बाद कहने लगे तुम पूजा ले लो। ओ आसमान से जैसे बिजली गिर गई और इस आदेश को न मानने का मतलब था आत्महत्या, ये मानना बहुत आवश्यक। और उन्होंने कह दिया परसों आ जाओ। अब मेरा शाम को, और कहने लगे अरे तुम्हारी गाड़ी जा रही होगी, जाओ लेट हो जाओगे, स्टेशन से जाओ चंडीगढ़ जाना है। शाम को मैं चंडीगढ़ चला गया। दूसरे दिन शादी बारात और वापस घर आई। और परसों जिस दिन भाई साहब जी ने बुलाया था उस दिन रिसेप्शन का कार्यक्रम चंडीगढ़ में। मैंने माता जी से कहा भाई साहब जी ने कहा है पूजा ले लो और बुलाया। कहा है भाई साहब जी कहा है मैं भी चलती हूँ। अरे तो मैंने कहा यहाँ रिसेप्शन का कार्यक्रम है, अरे वो छोटा भाई ओम प्रकाश है ना वो संभाल लेगा, मैं भी चलती हूँ। और रात को गाड़ी में हम लोग वापस दिल्ली आ गए। रात को सामान बारात का घर पे रख के लोगों को वहाँ घर पे छोड़ के दूसरे दिन रिसेप्शन होना था, छोटे भाई के जुम्मे लगा के कि हम शाम तक आ जाएंगे वापस रिसेप्शन में ज्वाइन कर लेंगे ठीक। और हम दिल्ली आ गए, मैं और माता जी, हम दोनों पहुँच गए।